फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अंडा करी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने प्याज को फ्राई करके इसमें मैंने मसाला प्याज डाला है और थोड़ी धनिया डाली है, और इसमें मैं आलू जो है बॉयल्ड आलू का इस्तेमाल करूँगी। इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें हल्दी डाला है मैंने, और थोड़ा इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला जो पिसा हुआ यूज करती हूँ मैं। इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे को फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें जो है किचन किंग है, किचन किंग मसाला जो है, ये थोड़ा सा इसमें इसे टेस्ट काफी एनहांस हो जाता है। तो देखिए ये मसाला जो है एक कोट बन जाता है एक के साथ, और फिर ये एक को मैं इस मसाले में, ये काफी हद तक भून चुका है। मेरा इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये मेरा मसाला अच्छी तरह से, इसको हम ड्राई भी बना सकते हैं। इस अंडे को इसमें डाल दूंगी और फिर इसको ड्राई भी हम यूज़ कर सकते हैं, पराठे और कुलचे के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यदि ग्रेवी बनाना है तो आप अपने पसंद में जितना भी ग्रेवी बनाना हो इसमें वाटर के साथ बना सकते हैं। अभी मैं इसको दिखाती हूँ, मैं सेमी ग्रेवी बनाऊंगी, बहुत ड्राई भी नहीं। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मृदुलाज ब्लॉग। ये मैंने एरिका पाम जो है ये रिकॉर्ड किया था 2 दिन पहले, वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको ये करीब काफ़ी हद तक ये मर चुका था, बहुत मुझे नहीं लगता था कि मैं इसे बचा पाऊंगी, फिर भी मैंने कोशिश की तो मैंने इसे बचा लिया। ये देखिए ये लीव खुल रही है, ये वाली लीव भी अब ये देखिए खुल रही है, तो ये काफी हद तक मैंने इसको बचा लिया है, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब ये धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है, इसके जो भी पत्ते सूख रहे थे उनको अच्छे से निकाल दिया बाहर। तो अब देखते हैं कैसे क्या रहता है इसका रिजल्ट। ये मेरा जो ऑर्किड का प्लांट था मैंने रिपोर्ट किया था, वो मैंने उसको बचा लिया है। अब ये देखिए हेल्दी ग्रो हो रहा है। इसको मैंने बहुत डेकोरेटिव पीबल्स के साथ इसको मैंने सजा दिया है, तो एक अच्छा सपोर्ट भी बन गया है। और इसके उसको मैंने इंडोर ही रखा है लाइट स्पेस पे। तो ये देखिए अभी सारे जो येलो हो रहे थे पत्ते, अब वो ठीक हो गए हैं। अब धीरे धीरे ये अपना ग्रो करना शुरू कर देगा। ये देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे।